हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी सेल शुरू होने वाली है फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे और अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने वाली है, और इन सेल के दौरान हमें बहुत ही तगड़े डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट पर तो ऐसे डिस्काउंट देखने को मिलते हैं कि हमें खुद ही यकीन नहीं होता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना डिस्काउंट कैसे देखने को मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों, हम बात करें आईफोन्स की, अगर आपको आईफोन के प्रो प्रो मैक्स मॉडल परचेस करना है तो 20-30 हज़ार रुपये के डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे। इवन जो बेस मॉडल होता है उसको भी आप परचेस करेंगे तो उस पर भी आपको 25-30 हज़ार रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। जैसे कि iPhone 14 की हम बात कर लें, 80,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च हुआ था और बिग बिलियन डे सेल के दौरान आपको 50,000 रुपए के आसपास की प्राइस में देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन के अलावा अगर हम होम अप्लायंसेस की बात भी करें तो जो 15,000 रुपए के आसपास की प्राइस रेंज के होम अप्लायंसेस होते हैं उन पर आपको 3-5 हज़ार रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है। पिछले साल मैंने एक रेफ्रिजरेटर परचेस किया था जो कि दोस्तों नॉर्मली 16-17 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में चलता है, और मैंने 12,500 रुपए की प्राइस रेंज में परचेस किया था। कुछ ही टाइम पहले मैंने HP का एक लैपटॉप लिया है जो नॉर्मली 63-65 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में चलता है, और मैंने उस लैपटॉप को केवल 49,000 रुपए की प्राइस में परचेस किया, यानी ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार रुपए का डिस्काउंट मैंने उसके ऊपर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों, इतना हैवी डिस्काउंट जब ऑनलाइन दिया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों कई लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट तो नहीं होते हैं, कॉपी प्रोडक्ट तो नहीं होते हैं, या ये अथोराइज्ड प्रोडक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ब्लैक मार्केट वाले प्रोडक्ट तो नहीं होते हैं, कहीं इनकी सर्विस वगैरह हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे कई सारे कमेंट्स मुझे लगातार अपनी वीडियोस पर देखने को मिलते रहते हैं। दिन में मैं 20-25 इस टाइप के कमेंट के रिप्लाई भी देता हूं। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपका ये सारा ही कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं कि यहां पर किस तरह से आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है, इसके पीछे रीजन क्या क्या है, किस तरह से आपको इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है, और यहां पर क्या ये प्रोडक्ट जेन्युइन होते हैं या डुप्लीकेट हो सकते हैं, और जेन्युइन डुप्लीकेट को आप कैसे पहचानेंगे, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमेजन फ्लिपकार्ट पर आने नई नई सेल डील एंड डिस्काउंट के बारे में जानकारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब यहां पर दोस्तों, मैं लगभग 2015-16 के आसपास से फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेसिंग करता हूं, और लगभग मुझे 7-8 साल हो चुके हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करते करते। मेरे घर में जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है सारे ही मैंने ऑनलाइन परचेस किए हुए हैं, और यहां पर दोस्तों इतना ज्यादा डिस्काउंट कैसे मिलता है इस चीज पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, और कुछ 4-5 पॉइंट निकल करके मेरे सामने आए हैं जिससे दोस्तों लगता है कि हां, वाकई में इतना ज्यादा डिस्काउंट पॉसिबल हो सकता है। वो सारी चीजें मैं एक एक करके आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट की हम बात करें तो आपको यहां पर मेजरली 3 टाइप का डिस्काउंट देखने को मिलता है। एक होता है प्राइस कट, जो कि ब्रांड डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हैं। दूसरा होता है यहां पर आपको कूपन डिस्काउंट देखने को मिलता है, और तीसरा होता है प्रीपेड, जो कि आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऊपर देखने को मिलता है। अब यहां पर हम पहले प्राइस डिस्काउंट की बात करें तो ये या तो सेलर की तरफ से दिया जाता है या ब्रांड की तरफ से दिया जाता है। यहां पर दोस्तों, सेलिंग के अंदर प्रॉफिट 2 तरीके से जनरेट किया जाता है, या तो आप अच्छा खासा मार्जिन रख करके कम माल बेच लो, या फिर कम मार्जिन रख करके ज्यादा माल बेच लो। अब दोस्तों, यहां पर ज्यादा मार्जिन रख करके, जैसे कि नॉर्मल प्राइस पर तो सारे प्रोडक्ट साल भर बिकते ही हैं, लेकिन जब सेल आती है तो यहां पर ब्रांड क्या करते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी बेचते हैं और अपने मार्जिन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और जितना मार्जिन वो कम करते हैं उतना ही यहां पर डिस्काउंट दे देते हैं या प्राइस को कट कर देते हैं। तो इस वजह से दोस्तों, कंज्यूमर को लगता है कि प्रोडक्ट सस्ता हो गया है, जबकि ब्रांड वहां पर उनका जो मार्जिन है वो कम करके और ज्यादा क्वांटिटी एक साथ सेल कर देते हैं ताकि कम मार्जिन पर उनका ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। और जब दोस्तों इस तरीके की सेल आती है तो इन सेल के अंदर आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है, और इस वजह से बहुत ज्यादा लोग परचेसिंग करते हैं और ज्यादा क्वांटिटी बिकने की वजह से उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों, ब्रांड ने भी कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, और एज ए कस्टमर हमें भी एक डिस्काउंट के साथ में अच्छा प्रोडक्ट मिल गया। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि ये स्मार्टफोन मैं सेल करता हूं 10,000 रुपए में, और इस पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 4,000 रुपए। अब मैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के 2 पीस बेचता हूं ज्यादा मार्जिन पर, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो टोटल होगा 8,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, मैं 4 में से 2,000 रुपए अपना मार्जिन कम कर देता हूं और यहां पर इस प्रोडक्ट के ऊपर 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं, तो यहां पर अगर इस डिस्काउंट के साथ में इस प्रोडक्ट के मैंने 10 पीस सेल कर दिए तो यहां पर मैंने टोटल उस पर कमा लिया 20,000 रुपए का प्रॉफिट। जहां पर मुझे 2 पीस पर 8,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने यहां पर 10 पीस कम मार्जिन पर बेच करके डायरेक्ट 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इस तरह से आपको सेल के दौरान थोड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा डिस्काउंट आता है यहां पर कूपन डिस्काउंट, जो कि दोस्तों आपको यहां पर सेलर या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट के द्वारा दिया जाता है। और तीसरे टाइप का डिस्काउंट आता है यहां पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर। यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलता है ज्यादातर जो भी सेल आती है। अब यहां पर दोस्तों, जो भी बैंक क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करवाता है उन बैंक के टाइप होते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट या फिर दोस्तों जो भी ब्रांड या प्रोडक्ट सेल कर रहा है उनके साथ में, और यहां पर दोस्तों वो ब्रांड से कोलैबोरेट करके और अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दिलवाते हैं ताकि दोस्तों उनका जो क्रेडिट कार्ड है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो पाए, उनको डायरेक्ट कस्टमर मिल जाए। अगर दोस्तों बैंक अपने कस्टमर को एक एक करके कॉल करता है तो उसको काफी सारी वर्कफोर्स लगेगी और यहां पर उसको टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर किसी भी एक बैंक के क्रेडिट कार्ड पर अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उस बैंक का क्रेडिट कार्ड परचेस करते हैं और यहां पर बैंक को सीधे कस्टमर मिल जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड पर थोड़ा डिस्काउंट देकर के वो एक ऐसा कस्टमर ले लेते
हैं जो कि दोस्तों लाइफ टाइम उस क्रेडिट कार्ड से परचेसिंग करेगा और उससे बैंक को लगातार फायदा होता चला जाएगा। अब यहाँ पर एज ए कस्टमर अगर हम उस क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर इसके ऊपर भी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ में तो कुछ बैंक के अच्छे टाइप हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अमेजोन का ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है जहाँ पर आपको 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक देखने को मिलता है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट का भी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। अब यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल कार्ड और इनके ब्रांड के साथ में जो कोलाब्रेशन में जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट के कार्ड आते हैं इनमें क्या डिफरेंस मिलता है, इनके ऊपर एक बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। काफी सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मल कार्ड में और जो एक अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ में हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसके अंदर, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर डिफरेंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और तीसरा एक और बड़ा रीजन है यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन ज्यादा डिस्काउंट मिलने का, वो है मीडिएटर्स। यहाँ पर दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में जब भी एक प्रोडक्ट आता है वो एक शॉप से आपके हाथ में आता है, तो लास्ट शॉप और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बीच में काफी सारे मीडिएटर्स होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद में वो आता है ब्रांड के गोदाम पर, ब्रांड के गोदाम से डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आता है। अब यहाँ पर दोस्तों कंट्री लेवल पर अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जोनल लेवल पर अलग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग होते हैं, इस तरह से 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर उनके अंदर जुड़ जाते हैं, उनका भी कमीशन वहां से निकलता है। ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग बार ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से सेलर पर आता है, वो भी खर्चा लगता है। उसके बाद में दोस्तों कंपनियां मार्केटिंग के लिए बंदे रखती हैं, उनको सैलरी देना होता है, प्रमोटर सरके जाते हैं उनको सैलरी देना होता है, या सेल्समैन वगैरह जो होते हैं उनको भी सैलरी देना होते हैं, साथ ही जो लास्ट दुकानदार आपको प्रोडक्ट बेच रहा है उसका भी कमीशन उसके अंदर एडेड होता है, और ये सारा ही कमीशन जो एंडिंग प्रोडक्ट आपके हाथ में आ रहा है उसमें एड होता है। ऐसे दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल पाता है क्योंकि वहां पर जो मीडिएटर है वो काफी ज्यादा जुड़े होते हैं। जबकि हम बात करें अमेजोन फ्लिपकार्ट आजियो मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कुछ केसेस में तो ब्रांड डायरेक्ट ही अमेजोन से कॉन्टैक्ट कर लेता है और डायरेक्ट ही अमेजोन को दे देता है प्रोडक्ट और अमेजोन आप तक तो पहुंचा देता है। और इसके अलावा एक और सिनेरियो होता है कि बीच में एक सेलर होता है, वो सेलर अमेजोन पर प्रोडक्ट को लिस्ट करता है और वहां से आप तक तो पहुंचता है, यानी कि दोस्तों केवल अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू सेलर से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास में पहुंच रहा है, ये केवल अपनी वेबसाइट पर उस प्रोडक्ट को दिखाते हैं और कुछ कमीशन लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बीच में जो मीडिएटर्स है वो बहुत ही कम हो गए, ब्रांड से डायरेक्ट सेलर और सेलर से आप तक प्रोडक्ट आ रहा है, तो जितना भी मार्जिन आप इन मीडिएटर्स को दे रहे थे वो मार्जिन सारा ही यहां पर कट हो जाता है और उसका डिस्काउंट आपको इन प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से भी आपको इन सेल के दौरान प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल और आता है आपके मन में कि यहां पर जो प्रोडक्ट हमारे पास में इस तरह से सस्ते आते हैं क्या इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये डुप्लीकेट होते हैं या ओरिजिनल होते हैं, इनकी जो सर्विस है वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। जैसे कि हम कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेस करते हैं तो ब्रांड के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से आपको सर्विस मिलती है या नहीं मिलती। तो यहां पर दोस्तों डुप्लीकेट और ओरिजिनल की जहां तक बात है, अगर आप अपने सिटी के छोटी से छोटी सिटी के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही दोस्तों अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी होता है, वहां पर भी ओरिजिनल प्रोडक्ट भी है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी है, लेकिन यहां पर दोस्तों आपको यह चीज देखना आना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट परचेस करने वाला हूं क्या वो ऑथराइज सेलर से परचेस कर रहा हूं या नहीं परचेस कर रहा हूं। यहां पर दोस्तों जो कॉपी प्रोडक्ट होते हैं वो ऑनलाइन भी बिकते हैं, ऑफलाइन भी बिकते हैं। और यहां पर दोस्तों ऑनलाइन परचेसिंग की बात करूं तो मैं 7-8 सालों से यह काम कर रहा हूं और काफी सारी रिसर्च भी इनके ऊपर करता रहता हूं, मेरा काम ही यही है। तो यहां पर दोस्तों मुझे पता है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट प्रोडक्ट को इन प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे पहचानना है, और मैं अपने वीडियो में जो भी प्रोडक्ट के लिंक आपको देता हूं वो सभी ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं। और कुछ अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट में टेस्ट करने के लिए मंगवाता हूं तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों ओरिजिनल प्रोडक्ट और डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे पहचानना है, इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ऑनलाइन में किस तरह से आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, स्पेशली बड़ी सेल के अंदर इतना ज्यादा डिस्काउंट ये ब्रांड कैसे दे पाते हैं। और मैं जो लिंक आप तक पहुंचाता हूं हमेशा अच्छे प्रोडक्ट की होती है, ब्रांडेड प्रोडक्ट की होती है। और यहां पर दोस्तों मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर लिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां पर मैं आपको इन सेल के दौरान जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं या नॉर्मली भी जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पर डील्स आती है वो मैं वहां पर शेयर करता रहता हूं। तो ऑनलाइन परचेसिंग आप करते हैं तो उस चैनल को ज्वाइन करके रखिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।